बाला साहेब जीवित होते तो राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के लिए पीएम मोदी की पीठ थपथपाते, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला ठाकरे अगर जीवित होते तो वह अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाते। मुख्यमंत्री शिंदे कुछ महीनों में होने वाले आम चुनावों के लिए अपनी पार्टी के शिव संकल्प जन संकल्प कार्यक्रम के तहत सोमवार को महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र के राजापुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। 2019 में केंद्र ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था, जो पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। शिंदे ने कहा, अनुच्छेद 370 को हटाना और राम मंदिर का निर्माण बाला साहेब ठाकरे के सपने थे, ये अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण साकार हो गए हैं। अगर बाला साहेब जीवित होते तो उन्होंने सराहना में मोदी की पीठ थपथपाई होती। 2012 में शिवसेना के संस्थापक बाला ठाकरे का निधन हो गया था। जून 2022 में शिंदे ने शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर पार्टी को विभाजित कर दिया और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को गिरा दिया। उस समय सीएम शिंदे ने कहा था कि यह कदम स्वार्थी कारणों से नहीं बल्कि बाला साहेब के विचारों को जीवित रखने के लिए था। उन्होंने कहा कि हम उनके विचारों के सच्चे वंशज हैं। जब शिवसेना ने शिवसेना के खातों में पड़े 50 करोड़ रुपए मांगे तो हमने पैसे दे दिए, हम यहाँ पैसे के लिए नहीं हैं। विभाजन के बाद चुनाव आयोग ने शिंदे के गुट को शिवसेना का नाम और धनुष और तीर प्रतीक दिया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी का प्रतीक धधकती मशाल है।